अनुजा राम, आई एम फ्रॉम एमटी मुंबई. आह, यू आर फ्रॉम मुंबई, यस. और अभी आपने जो भी बोला ना, आई कम्प्लीटली रिलेट विद दैट, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन कर्मा. अब जो लोगों को पास आउट करोगे, वापस से बूमरैंग की तरह आप ही के पास आएगा. नेगेटिविटी दोगे, नेगेटिविटी ही वापस आएगी. जितना पॉजिटिव रहोगे, डबल पॉजिटिविटी वापस आएगी. सेकंड थिंग आपने बोला था कि जो भी होता है लाइफ में ना, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता ही है. जब मैंने लास्ट फाइनल्स किए थे मुंबई के, तो आई हैव अनदर पेयर ऑफ ब्लैक हील्स, तो मैंने ऐसे ही रख दिए बैग में कि होने चाहिए, मे बी ज़रूरत पड़ सकती है. एंड जब मैंने मेरा इंट्रोडक्शन राउंड किया था वाइल डांसिंग, आई ब्रोक माई हील. ओह माय गॉड, आई डिड नो दिस. बट मैंने वो इतना ग्रेसफुली कैरी किया, आई जस्ट फॉर सेकेंड आई डिड दिस. बट उसके बाद मैंने, नहीं मुझे ये कम्प्लीट करना है, अगर मेरे फेस पे ये दिखेगा ना, बस शो वहीं पे ख़त्म हो गया. तो मैंने वो इतना ग्रेसफुली कैरी किया, मैंने पूरा वॉक किया, मैंने इंट्रोडक्शन किया, एंड सेकंड में मैंने जाके वो हील चेंज किया. तो ये मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि जो भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए ही होता है. गॉड कभी ये नहीं चाहता है कि तुम बैकआउट करो किसी भी चीज़ के लिए. तो जो भी होता है, मैंने खुद दो बार डिप्रेशन फेस किया है. वन टाइम मैं उस लेवल पर थी कि आई वॉन्टेड टू डू द सुसाइड, कि मुझे नहीं जीना है. दैट टाइम आपने बोला कि वो एक ट्रिगर होता है, यू आर द सेल्फ मोटिवेटर. खुद को मोटिवेट करो कि क्यों आए हो जिंदगी में, ये क्यों मिला है तुमको. ये बोलता है, बोला जाता है कि ह्यूमन बींग, हमारी जो लाइफ होती है एक ही बार मिलती है. वी आर नॉट एनिमल्स, लाइक वी आर एनिमल्स, बट आदमी की जो ज़िंदगी होती है इतनी आसानी से नहीं मिलती है. तो तुम्हें गॉड ने वो क्यों दी है, उसका एक एम है. अगर उसे पाना है ना, तो एवरी हर्डल्स बी कॉन्फिडेंट कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता ही है. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. और जो भी करो, जिसमें भी पार्टिसिपेट करो, उसको एंजॉय करो. सो नाइस. कभी भी जीतना हारना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जिसमें भी एंटर करो ना, हर एक चीज़, हर एक सेकंड आपको कुछ सिखा के जाती है. मैंने जब स्टेज पे एंटर किया था, मैंने आपकी तरफ देखा था, एंड यू सेड आई आल्सो डिड दिस. एंड जब आपने मुझे स्टेज पे आके बोला था दैट यू स्पोक रियली वेल, तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने ये पूरा जर्नी एंजॉय किया. जो कॉन्फिडेंस लेवल, इतना नहीं बोलती कि आई एम 100% कॉन्फिडेंट, बट आई एम दिस लेवल. तो ये पेजेंट मेरे को यहाँ पे लेके गया.